हाँ जी बच्चे, चलिए देखो हमने जो है अभी तक क्या किया, हमने अपना रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट जो था वो पूरा फिनिश कर लिया। हमने सीखा कि एक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना, भाई माना कि कंपलसरी नहीं होता मगर ना डिजायरेबल हो जाता है। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना डिजायरेबल है क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज ही ऐसे हैं, इतनी डिसएडवांटेजेस जुड़ी हुई हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि डिसोल्यूशन कैसे कराते हैं, तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन हो चुका हमारा। इसके अलावा हमने सीखा कि एक फॉर्म को अगर आपको डिसॉल्व करवाना है ना, तो उसको डिसॉल्व करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों में सबसे पहला तरीका कौन सा है हमारा, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। दूसरा कौन सा, कंपलसरी डिसोल्यूशन, जिसमें आप लोगों का अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का जो बिजनेस है ना, उसका जो ऑब्जेक्ट है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अनलॉफुल हो जाता है या फिर आपके सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं एक्सेप्ट वन, तो भाई एक पार्टनर तो अकेले पार्टनरशिप को नहीं चला सकता। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपलसरी डिसोल्यूशन जो है आप लोगों को करवाना पड़ेगा। कंपलसरी डिसोल्यूशन तो सेक्शन 40 हो गया डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, 41 हो गया कंपलसरी डिसोल्यूशन, 42 हुआ डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, जैसे कि मैंने सीखा था रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कि अगर अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, देन विद द डेथ ऑफ इवन अ सिंगल पार्टनर होल पार्टनरशिप फॉर्म गेट्स डिसॉल्व, है ना, यही तो सीखा था मैंने। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या सीखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, अगर आपस में कुछ डिसाइड नहीं किया, विद द डेथ ऑफ इवन अ विद द इंसॉल्वेंसी ऑफ इवन अ सिंगल पार्टनर होल फॉर्म्स गेट डिसॉल्व, तो वहां पर ये वही कंटीजेंसी है कि अगर ऐसी कंटीजेंसीज आ जाती है, अगर आप लोगों की डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है ना, तो हम लोगों का डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है, तो उसमें तो भाई आपको अपने पार्टनर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उनको इन्फॉर्म करो। उनके अलावा पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म करो वाया गिविंग अ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस दो और अपनी फॉर्म को, पूरी की पूरी फॉर्म को डिसॉल्व करवा लो। मतलब अगर मेरी 40 पार्टनर्स, मानो 50 पार्टनर्स वाली पार्टनरशिप भी है ना, उन 50 पार्टनर्स में से अगर एक पार्टनर ने भी पब्लिक नोटिस देकर फॉर्म को डिसॉल्व करवाना चाहा, तो वो कर सकता है, बाकी के 49 पार्टनर्स को अब वो परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आपको ना ये सारी नॉलेज देकर हम बताना चाहते हैं कि कल को अगर आप पार्टनरशिप बनाते भी हो और पार्टनरशिप का अग्रीमेंट बनाते हो, है ना, तो आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें ऐड नहीं करनी है, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। पार्टनरशिप एट विल बनाऊं या पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाऊं, किसके क्या एडवांटेजेस, किसके क्या डिसएडवांटेजेस, किसका असर पड़ेगा डिसोल्यूशन के ऊपर और किसका असर नहीं पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाऊं या नहीं करवाऊं। तो इस तरीके से लॉ मेकर्स आपको नॉलेज देना चाहते हैं, एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो कल को अगर आप अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है आप अपना पार्टनरशिप का अग्रीमेंट फॉर्म करिए ताकि आपका बिजनेस एकदम स्मूथली रन कर सके। अच्छा, लास्ट मेरा था कि कोर्ट भी अगर चाहे ना, तो हमारी इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकता है। तो ये जो 44 वाला पॉइंट है ना, इसकी बेटा रेलेवेंसी कब होती है, इसकी रेलेवेंसी आपकी ना तब होती है जब ना आपकी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब मेरी क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मेरे जो पार्टनर्स हैं आपस में, उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ गए, कोई मिसकंडक्ट कर रहा है या फिर कोई अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो उसके रिलेटिव या फ्रेंड जो है वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं इस फॉर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए। तो वो भी सारा मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में, मतलब प्रीवियस जो हमारा अभी टाइम गया था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट जो है वो भी हम अपना कवर कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, पढ़ाऊंगी मैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। ये भी हो गया था ना हमारा डिसोल्यूशन पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में तो नहीं पूछा गया है बट हाँ पहले जरूर पूछा गया है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, अब आप कहोगे मैम इतने सारे सेक्शंस हैं। हाँ जी, इतने सारे सेक्शंस हैं, मगर ये सारे सेक्शंस बहुत ही सिंपल हैं, क्योंकि इनमें से कई ऐसे सेक्शंस हैं और इन सेक्शंस के अंदर की कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों ने प्रीवियसली अपने किसी ना किसी टॉपिक के अंदर कवर्ड करी है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि वाइंडिंग अप से पहले मगर डिसीजन ऑफ डिसोल्यूशन के बाद, वाइंडिंग अप से पहले और डिसोल्यूशन के डिसीजन के बाद आपकी जो फर्म है इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या नहीं होंगी, किस पार्टनर के पास कितना राइट होगा और वो राइट आपका कब तक चलेगा या क्या लाइबिलिटीज होंगी, इन्हीं बातों की चर्चा करता है हम लोगों का सेक्शन नंबर 45 से लेकर हमारा सेक्शन नंबर 55
तक, तो सेक्शन 45 से लेकर 55 तक मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ. क्या बच्चे? द कॉन्सिक्वेंसेस. क्या प्रेजेंट कर रही हूँ मैं? द कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? परिणाम. क्या परिणाम होंगे अगर आपके पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है या जिस भी वजह से उन्होंने डिसोल्यूशन का सोचा और अब फाइनली फॉर्म आपकी डिसॉल्व होने जा रही है, तो होगा क्या? क्या करेंगे भाई अब ऐसे टाइम पर? आइए जरा इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं हम लोग. जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा आपका मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए इस पॉइंट्स को मैं अपनी बुक के अंदर से ही आप लोगों के साथ कवर करवाने वाली हूँ. इससे आपकी बुक भी रिवाइज हो जाएगी और हमारे सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे. तो 45 से 55 तक ये 11 सेक्शंस हैं जो अभी की मेरी क्लास का टारगेट होगा. हाँ, जब ये 11 सेक्शंस मेरे ओवर हो जाएंगे तो कायदे से मैं कहूँ तो मेरा पार्टनरशिप एक्ट ओवर हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ना पार्टनरशिप एक्ट भी पूरा नहीं है. कई सेक्शंस ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं हो रहे हैं. आपका इंस्टीट्यूट जो है वो आपको नहीं पढ़ाना चाहता, इसीलिए उसने स्टडी मटेरियल में नहीं डाला, इसीलिए हम भी बस वो आपको नहीं करवा रहे. तो ऑन एंड ऑल अगर मैं कहूँ, ये 11 सेक्शंस हो जाने के बाद ICA के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो आपका पार्टनरशिप का चैप्टर ओवर हो जाएगा. मगर फिर उसके बाद हम आज की क्लास में क्या सीखेंगे? पार्टनरशिप का कंपनी के साथ क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और HUF में क्या डिफरेंस है, ये भी हमारी आज की क्लास का टारगेट रहेगा. ठीक है, तो अभी आप करते हैं श्री गणेश फटाफट से. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस जैसा मैंने बोला, अब तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रह गया. हमारी पार्टनरशिप के सारे डिफिकल्ट कंसेप्ट निकल चुके हैं. अब एक कंसेप्ट आया है जिसका नाम है आपका कंटिन्यूइंग लायबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस. लॉ कहता है, क्या लॉ कहता है, कि जब भी मैं कॉन्सिक्वेंसेस या फिर परिणाम की बात करता हूँ ना, तो आपकी पार्टनरशिप की फॉर्म जो है, ये जो फॉर्म है आपकी, ये जैसे ही बेटा आप लोगों की डिसॉल्व हुई और वाइंड अप होने जा रही है, आपने डिसोल्यूशन का डिसीजन तो ले लिया, मगर हम लोगों ने हमेशा से क्या सीखा है कि जब भी डिसोल्यूशन होगा तो डिसोल्यूशन के बाद बेटा आप लोगों को देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस. अगर आप लोगों ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना, तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि जो बाहरी दुनिया है, जितनी भी आपकी थर्ड पार्टीज है ना, वो ये बात मानकर चलेंगी कि भाई अभी भी वो ये बात मानकर चलेगी कि अभी भी आप लोगों के बीच में पार्टनरशिप चल रही है. वो तो सीधा ये मानकर चलेंगी. जैसे कि सुनो मेरी बात, जैसे कि मनीष दुआ सर, केटी सर और मेरी, ये आपके मनीष सर, केटी सर और मैं, हम तीनों का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था, है ना, और हमारी क्या चल रही थी, इस इंस्टीट्यूट के, ये इंस्टीट्यूट हम पार्टनरशिप के थ्रू चला रहे थे. अब इसमें हुआ क्या, 1 अप्रैल को हम तीनों ने मिलकर डिसाइड तो कर लिया कि फॉर्म को डिसॉल्व करवाना है, मगर हम लोगों ने बेटा जो पब्लिक नोटिस दिया ना, वो कब दिया, 1 जून 2020 को. अब लॉ कहता है ये टाइम पीरियड जो था, यहाँ पर आपने डिसोल्यूशन का नोटिस दिया, वाइंड अप अभी भी नहीं हुई है, डिसोल्यूशन का आपने यहाँ पर क्या दिया है, नोटिस, और यहाँ पर आपने डिसोल्यूशन का क्या लिया था, डिसीजन, आपस में ही ले लिया था. लॉ कहता है आपस में अगर आपने डिसीजन ले भी लिया, अच्छी बात है, पब्लिक को तो बताओ, पब्लिक एट लार्ज को नोटिस दो ना. पब्लिक नोटिस, नोटिस का मतलब ही क्या होता है, टू ब्रिंग इन टू नॉलेज. किसकी नॉलेज में डालो ये बात कि आप अपनी फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, पब्लिक के नोटिस में डालो भाई, ताकि पब्लिक जो है उसको ये पता रहे कि अब मनीष, केटी और नीति जो है, इन तीनों की पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है. अब लॉ कहता है अगर ये नोटिस जब तक नहीं दिया जाएगा ना, कब, ये 1 अप्रैल को आपने डिसाइड किया मगर नोटिस दिया गया 1 जून को, इस दौरान अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी काम किया, उसके लिए बाकी के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे. जी हाँ, जैसा कि हमने सीखा था, पार्टनरशिप में होती है म्यूचुअल एजेंसी. पार्टनरशिप में क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी. ईच पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर. सो लॉ मेकर्स क्या कहते हैं कि मान के चलेंगे जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया, वी विल थिंक एंड वी विल कंसिडर कि आपकी पार्टनरशिप अभी भी चल रही है. अब अगर मानो केटी सर ने इस बीच में कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर लॉस हो गया ना, तो वो लॉस मनीष सर मेरे साथ और केटी सर हम तीनों के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. समझ रहे हैं? तो फायदा किस में रहेगा, फायदा बच्चे इसी चीज में रहेगा कि चुप करके पब्लिक नोटिस दे दो. अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, देन आपका जो लाइबिलिटी है वो कंटिन्यूड रहेगा, चलता रहेगा तब तक जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तब तक. लेकिन हाँ, इंसॉल्वेंसी के केस में, आपका स्लीपिंग पार्टनर के केस में, या फिर इन द डेथ ऑफ द पार्टनर,
ये तीनों केसेस में आपको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि सुनो मेरी बात, जैसे मेरी ये जो पार्टनरशिप है ना, एम के एन, इसमें ना एक पार्टनर और है जिसका नाम है एक्स। एक्स कौन है हमारे स्लीपिंग पार्टनर, एक्स कौन है हमारे स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। अब अगर हमारे केटी सर ने यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्रॉड किया, लॉ कहता है स्लीपिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज तो वैसे भी उनके बारे में नहीं जानती। भाई माना इन लोगों ने डिसीजन ले लिया 1 अप्रैल को कि फर्म को डिसॉल्व करवाना है, ठीक है, मगर उसका नोटिस दिया कब, 1 जून को। नोटिस कब दिया है बच्चे, 1 जून को नोटिस दिया है। तो लॉ कहता है इस बीच में अगर आपके किसी भी पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, देखो इन चारों की आपस में एक दूसरे के लिए लाइबिलिटी तो जरूर रहेगी, समझ रहे हो, लेकिन जो थर्ड पार्टी है ना वो एक्स के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी तो वैसे भी नहीं जानती थी कि एक्स हमारे कौन है। कौन है एक्स हमारे, पार्टनर ऑफ दी फॉर्म, क्योंकि एक्चुअल में वो कौन है, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर इनएक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव डोरमेंट पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो कि दुनिया की नजरों में आ ही नहीं रहा है, तो दुनिया तो जानती ही नहीं है कि ही इज दी पार्टनर, दुनिया जानती ही नहीं है। तो कल को अगर मानो केटी सर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें लॉस हो गया, अब थर्ड पार्टी को पैसा देना है, कितना, मानो 60,000 रुपया, तो वो थर्ड पार्टी मुझसे भी वो पैसा निकलवा सकती है, केटी सर से भी या मनीष सर से भी, लेकिन वो एक्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी वैसे भी उनके बारे में नहीं जानती है। अब अगर उस टाइम पर थर्ड पार्टी ये कहती है कि आपने तो पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं, तो लॉ कहता है भाई ये तीनों लोग तो पब्लिक नोटिस दो चाहे ना दो, ये वो तीन लोग हैं जो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ड्यू टू नॉट ड्यू टू व्हाट, इग्नोरिंग और ड्यू टू नॉट गिविंग द पब्लिक नोटिस। तो मतलब पब्लिक नोटिस नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो आपकी लाइबिलिटी जो है तब तक रहेगी, कब तक, जब तक कि आप पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक। इस दौरान में आप, हम मानकर चलेंगे यू गाइज आर स्टिल अ पार्टनर, तो लॉ कहते हैं दे दो ना पब्लिक नोटिस, जब डिसोल्यूशन का डिसीजन भी ले ही लिया है तो फिर नोटिस देने में क्या प्रॉब्लम है, नोटिस दो तो कम से कम एक दूसरे के कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसोल्यूशन का डिसीजन लिया या नोटिस आपने दिया तो मतलब वाइंड अप हो गया, अभी फर्म वाइंड अप नहीं हुई है, वाइंड अप तो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, जब मैं कहती हूँ हाँ जी सब कुछ सेटल हो गया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज भी हो गया, प्रॉफिट्स अगर था तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लॉसेस ज्यादा थे तो पार्टनर से पर्सनली वो भी मंगवा लिए गए, सारा काम खत्म हो गया, अब कोई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स भी नहीं करना, जब सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब मैं कहती हूँ वाइंड अप हुआ, समझ रहे हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो डिसोल्यूशन किया है, डिसोल्यूशन का मतलब है व्हेन यू गाइस हैव डिसाइडेड टू एंड द बिजनेस, अब आपने डिसाइड कर लिया है तो पब्लिक को नोटिस भी दो, अगर नोटिस नहीं दिया तो पब्लिक एट लार्ज की नजरों में यू गाइस आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स एक्ट, मगर ये तीन लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कौन, एक तो स्लीपिंग पार्टनर, दूसरा इंसॉल्वेंट पार्टनर, है ना, ठीक है, इंसॉल्वेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर जो है, मानो अगर आप लोगों का इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है यहाँ पर एक्स जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया इस दौरान, ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे केटी सर ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म किया, नोटिस देने से पहले, तो यानी कि डिसीजन के बाद और नोटिस से पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बनाया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके मनीष सर और आपकी नीति मैम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर एक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बच्चे एक्स तो अब आप लोगों का पहले ही इंसॉल्वेंट हो चुका है, इंसॉल्वेंसी और डेथ में पब्लिक नोटिस वैसे भी नहीं दिया जाता, समझ रहे हो, पढ़ा था हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में। और जो डोरमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, भैया उसके बारे में तो वैसे भी कोई नहीं जानता, उसके बारे में तो आप लोगों का वैसे भी कोई भी नहीं जानता, मानते हो ना इतनी बात, इसीलिए इन्हीं बातों को अब ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो पहला एक कंसेप्ट था, पहली जो हमारी ये एक कॉन्सिक्वेंस था, वो क्या कॉन्सिक्वेंस है हमारा, कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस, सेक्शन 45 ओवर। अब सेक्शन 46 क्या है, राइट टू एनफोर्स दी वाइंडिंग अप, मतलब राइट टू एनफोर्स दी वाइंडिंग अप। अब ये वाला टॉपिक क्या कहता है मैं बताती हूँ आपको, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ पहले आप लोगों को, देखो जैसे हमारे ना, हम लोगों ने एम के एन जो है, हम लोगों ने 1 अप्रैल को डिसाइड कर लिया कि फॉर्म को डिसॉल्व करवाना है, और हमने नोटिस भी दे दिया मैं मानकर चल रही हूँ, लेकिन बेटा डिसोल्यूशन के बाद भी तो बहुत सारे काम करने होंगे ना, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुंचना है, वाइंडिंग अप तक,
हमने वाइंड अप करना है फॉर्म को, तो हमने वाइंडिंग अप तक पहुंचना है, सिंपल सी बात है। अब इस दौरान में क्या हुआ, इस दौरान में हम लोग डेफिनेटली एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे या नहीं? तो मैंने क्या किया, मैंने ना अपने एसेट्स जो है ना इनकी ऑक्शन कंडक्ट करवा दी। मैंने कहा एसेट्स को हम ना नीलाम कर देते हैं, ऑक्शन कर देते हैं, जो भी पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे। तो मनीष दुआ सर ना टांगड़ाने लगे। दुआ सर कहते हैं मैडम आप तो ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, अब आप हमारे पार्टनर नहीं हो, डिसोल्यूशन का डिसीजन ले लिया ये वो। तो लॉ कहता है सेक्शन 46 के तहत आपके सभी पार्टनर्स को, या फिर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लॉ ने क्या राइट दिया है कि आप फर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं इन द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ दी फर्म। यानी मेरे पास ये पूरा राइट है कि मैं फर्म के जो एसेट्स हैं इनको बेचकर फर्म की जो लाइबिलिटीज हैं, हाँ मैं पर्सनल की नहीं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल लाइबिलिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म्स एसेट्स एंड फर्म्स लाइबिलिटी। तो दुआ सर मुझे उस टाइम पर मना नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, मेरे पास ये पूरा राइट होगा कि मैं अपनी क्या कर सकूं, राइट जो है जो मैं जिनको मैं एनफोर्स कर सकती हूँ, ये वो राइट्स है जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी ताकि मैं वाइंडिंग अप तक जा सकूं। यार एक बात सोचो, आज मैंने डिसीजन ले लिया, मानो 1 अप्रैल को फर्म को डिसॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद दुआ सर भी घर पे बैठ गए, केटी सर भी घर पे बैठ गए, कोई कोई एक्शन ले ही नहीं रहा, कोई कुछ काम कर ही नहीं रहा। अब वो एसेट्स ऐसे ही रखे हुए हैं, फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गई, लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक रखा हुआ है, कितनी सारी चीजें हमारी ऐसी रखी हुई है हमारे ऑफिस के अंदर, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, जो फर्नीचर मशीनरी रखी है, जितना मैं उनको लेट करूंगी बेचने में उतना उनका दाम जो है वो कम होता जाएगा, भाई डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा ना, है कि नहीं? सो व्हाट आई थॉट कि यार जल्दी से इनको बेचो, जब डिसोल्यूशन का डिसीजन ले ही लिया है तो जल्दी से इस इन एसेट्स को बेच बाच कर अपनी लाइबिलिटीज को जो है खत्म करो, खाली क्यों बैठना। लेकिन मनीत सर ने मुझे ये काम करने नहीं दिया। तो सेक्शन 46 कहता है कि मनीत सर आप नीति मैम को रोक नहीं पाओगे, शी हैज गॉट द राइट टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। और मेरे पास एक राइट और है, क्या राइट है, कि अगर इन एसेट्स को बेचने के बाद, लाइबिलिटीज पे करने के बाद अगर कुछ भी पैसा बचता है, यानी कि कुछ भी मेरा सरप्लस बच जाता है, तो उसके लिए वो मैं क्या करूंगी, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, सभी पार्टनर्स में मैं क्या कर दूंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ये राइट है जो कि आप लोगों को दिया गया है। ये राइट किसको दिया गया है बताओ, तो सभी पार्टनर्स को दिया गया है, इसीलिए मैं इसको पढ़ती हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। मैं रिपीट करती हूँ, दो दो सेक्शंस करेंगे और तीसरे पे पहुंचने से पहले ना दो सेक्शंस को रिवाइज कर लेंगे। सेक्शन 45 कहता है कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया ईच एंड एवरी पार्टनर इज लाइबल, ठीक है, फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। सी यू हैव डिसाइडेड फॉर द डिसोल्यूशन, नाउ जस्ट गो एंड गिव अ पब्लिक नोटिस, इफ यू आर नॉट गिविंग द पब्लिक नोटिस यू विल कंटिन्यू बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर इन द आईज ऑफ द थर्ड पार्टीज, बट थ्री पर्सन्स विल नेवर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इवन इफ यू हैव नॉट गिवन अ पब्लिक नोटिस। वो तीन लोग मेरे कौन होंगे बच्चे, हमारा इंसॉल्वेंट इंसान, ठीक है, इसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, समझ रहे हो, दे विल नेवर बी हेल्ड लायबल इवन इफ वेदर यू हैव गिवन अ पब्लिक नोटिस और नॉट, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड लायबल। चलिए अब आइए 46 में मैंने क्या बताया, राइट टू एनफोर्स वाइंडिंग अप ऑन अ पार्टनरशिप बीन डिसॉल्वड, एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हर पार्टनर के पास ये राइट होगा, या फिर अगर कोई पार्टनर मर जाता है ना तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी इतना राइट है कि अगर डिसोल्यूशन का डिसीजन ले लिया तो वाइंडिंग अप तक पहुंचने के लिए अगर फर्म के एसेट्स को बेचा बेचने की जरूरत पड़ रही है तो वो बेचेगा, मगर उससे वो लाइबिलिटीज भी फर्म की उतारेगा और कुछ भी पैसा बच जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग ऑल दी पार्टनर्स। क्लियर है, ये हो गया मेरा 45 एंड 46। अब आती है बात कि मैम 47 सेक्शन क्या कहता है। 47 कहता है कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ द वाइंडिंग अप।
कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ दी पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ दी वाइंडिंग अप। मतलब अथॉरिटी वर्ड जो होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? पावर। लॉ कहता है कि सभी पार्टनर्स के पास ये पूरा का पूरा राइट है, ठीक है, कि वो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम विच इज नेसेसरी टू वाइंड अप द फर्म, कोई भी काम कर सकता है, और कोई भी ऐसा काम ताकि वो अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सके। जैसे मानो क्या हुआ, हम लोगों ने एमकेएन ने 1 अप्रैल को डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा ना जनवरी का एक एडमिशन था, उस बच्चे की इकोनॉमिक्स की क्लासेस ना कुछ रह गई थी, उसकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस ना कुछ रह गई थी। तो मैंने क्या किया, आपकी नीति मैडम ने 10 अप्रैल को, नीति मैम ने आपकी क्या किया, उस स्टूडेंट को ना इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो थी वो अवेल करवा दी। और ये सारे काम बच्चे मैंने कब करे हैं, 10 अप्रैल को करे हैं। अब मैंने ये काम कर तो दिया, मनीष दुआ सर जो है वो मुझे गुस्सा करने लगे। वो कहते हैं, मैम आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, आपने मेरे लेक्चर्स मुझसे पूछे बगैर जो है वो कैसे दे दिए, आप थोड़ी ना मैडम, आपके और मेरे बीच में पार्टनरशिप चल रही है। तो मैं क्या कहूंगी, सर माना कि हमारी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, मगर अभी भी वाइंड अप नहीं हुई है, और जब तक मेरी फर्म वाइंड अप नहीं होती है तब तक मेरे पास इतनी पावर है कि मैं वो सारे कदम उठा सकती हूँ जो जरूरी है टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन विच इज पेंडिंग एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, विच इज पेंडिंग एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। हाँ, अगर मैं 1 अप्रैल के बाद कोई नया एडमिशन लेती, 1 अप्रैल को भी डिसाइडेड ना डिसोल्यूशन का, अगर मैं 1 अप्रैल के बाद ऐसा कोई डिसीजन लेती ना, नया एडमिशन कराती और फिर उसको वीडियो देती, फिर मैं गलत काम करती, फिर मैं गलती करती, मगर अभी तो ये मेरी ट्रांजैक्शन जो है पहले की है ना, विच इज पेंडिंग एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। हमने ये एडमिशन करवाया था जनवरी में, तो 1 अप्रैल को जब हमने डिसीजन लिया था कि फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे, तो वो बच्चे का इकोनॉमिक्स का क्लासेस अभी पेंडिंग था। तो मेरे पास बिना पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन भी आई हैव गॉट दी अथॉरिटी पावर कि मैं वो सारे कदम उठा सकती हूँ विच आर नेसेसरी टू वाइंड अप दी फर्म। आई एम गोना रीड इट विद यू ऑल, आप लोग भी प्लीज इसको रीड करिएगा। सेक्शन 47, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ दी पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। दी अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर म्यूचुअल एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है, सो फार एज मे बी नेसेसरी टू वाइंड अप दी फर्म और टू कंप्लीट दी अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन पेंडिंग एट द डेट ऑफ दी डिसोल्यूशन। अब सिंपल है ये तो हमारा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 48 पर। ये मैं आप लोगों को क्या करवा रही हूँ, याद है ना, ट्रैक पर रहिएगा गाइस, आगे बढ़ते जाओ मगर पीछे को भी कंट्रोल, पीछे का कंसेप्ट भी कंट्रोल में रखो। हमको पता होना चाहिए जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 45, कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस। 46, राइट टू एनफोर्स दी वाइंडिंग अप, जिसके अंदर वो अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन के बारे में बात हुई है, ठीक है। आप राइट टू एनफोर्स दी वाइंडिंग अप में आप लोगों के, सॉरी, अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन के बारे, पावर्स के बारे में 47 हो गया, 40, 45, 46, 47। अब मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, सेक्शन नंबर 48 जो कहता है सेटलमेंट ऑफ दी पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स है ना उनका सेटलमेंट करना है, पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स है उनका सेटलमेंट करना है। अब आप कहोगे मैडम कैसे सेटलमेंट होगा, मैं बताती हूँ, सुनो। तो देखो यार, वैसे तो अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो ना, तो हमारा जो कॉमर्स का बचपन था 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, वहां पर हम लोगों ने ना अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट पढ़ा था। अकाउंट्स के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट जो है वो अपना कवर किया था, है ना। तो वैसे तो आप लोगों को आता है, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो डेफिनेटली बेटा आपने नहीं किया होगा, है आपके सिलेबस में, सीए फाउंडेशन में भी है, सीएस फाउंडेशन में भी है, लेकिन हो सकता है कि अभी वो चैप्टर आपका कवर अप ना हुआ हो। तो आप सभी बच्चों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने डिसोल्यूशन का डिसीजन ले लिया है, तो मैंने कहा था ना सारे काम आपको खत्म करने पड़ेंगे ताकि आपकी फॉर्म का वाइंडिंग अप हो सके, फॉर्म वाइंड अप हो सके, वाइंडिंग अप पॉसिबल हो। इस कामों में एक काम होता है सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, हिसाब किताब कर लो। हिसाब किताब पता है किस चीज का किया जाएगा, मेनली तो हिसाब किताब किया जाएगा दो चीजों का। लॉ कहता है जब आप लोगों का ये देखो कि लॉसेस हैं या फिर नहीं है, ठीक है, और एसेट्स हैं या फिर नहीं है। अगर आपकी फर्म में लॉसेस हैं तो लॉ मेकर्स कहते हैं वो लॉसेस जो हैं आप लोगों के सबसे पहले कहाँ से चुकता किए जाएंगे, सबसे पहले कहाँ से पे किए जाएंगे, आउट ऑफ द
प्रॉफिट्स। अगर ये प्रॉफिट्स आपके पर्याप्त नहीं रहते हैं, फिर आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप पार्टनर्स की कैपिटल विड्रॉ करो, फिर आप पार्टनर्स की कैपिटल में से सारे लॉसेस को कवर अप करो। अच्छा, मानो अगर पार्टनर्स की कैपिटल भी पर्याप्त नहीं होती है, तो पार्टनर्स बेटा आप लोगों के इंडिविजुअली, पार्टनर्स आपके इंडिविजुअली लायबल हो जाएंगे। समझ रहे हो? इंडिविजुअली लायबल होने का मतलब ये है कि एमकेएन में ना, मानो केटी सर लॉस झेल रहे थे 40%, ठीक है, और दुआ सर और मैं झेल रहे थे 30-30%। तो हम तीनों को बोल देंगे, जैसे मानो लॉसेस हो गए मेरे 1,00,000 के, ओके, प्रॉफिट्स में से मैंने पैसा निकाल दिया 20,000, ओके, कैपिटल में से भी मैंने 20,000 रुपए के लॉसेस अपने पे कर दिए। अभी 1,00,000 में से 40,000 के लॉसेस तो हमने रिकवर कर लिए, बचे कितने? 60,000, है ना। ये 60,000 में से केटी सर को बोलेंगे, सर 40% आप झेलोगे, दुआ सर, मनीष दुआ सर 30% आप झेलोगे, और नीति मैडम आप भी 30% झेलोगे। अब झेलने का मतलब पता है मैं वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ? क्योंकि पर्सनल लायबिलिटी हो गई। क्योंकि देखो, फर्म के तो खत्म हो गए ना, फर्म का प्रॉफिट खत्म हो गया, फर्म की कैपिटल खत्म हो गई, फर्म के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, वो कहां से पे करेगी? समझ रहे हो? तो ट्रीटमेंट कैसे होगा एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन आपके? अगर आपको अपने अकाउंट से सेटल करने तो पड़ते हैं ना भाई, अकाउंट से सेटल करोगे ना, हिसाब किताब नहीं करोगे फॉर्म पूरी खत्म करने से पहले? तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब ही होता है हिसाब किताब करना। अब हिसाब किताब के इस सेक्शन 48 के अंदर बस दो बातें बताई गई हैं कि लॉसेस का हिसाब किताब कैसे होगा और एसेट्स का हिसाब किताब कैसे होगा। लॉसेस सबसे पहले प्रॉफिट्स में से पे करो, अगर प्रॉफिट्स में से सारे पे हो गए तो कैपिटल तो विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, कैपिटल वापस कर दो सभी पार्टनर्स की। लेकिन अगर प्रॉफिट्स पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो भैया फिर पार्टनर्स की कैपिटल विड्रॉ करो। वो भी एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो पार्टनर्स को बोलो जाओ अपने घर जाओ और घर से लेकर आओ। ठीक है, अब ये पहला सेटलमेंट में आपको लॉसेस के बारे में समझाया गया, पॉइंट नंबर ए, ये मेरा ओवर हो गया। अब आता है पॉइंट नंबर बी। मैडम अगर एसेट्स होंगे, एसेट्स है ना, तो ये एसेट्स को बेटा हमने एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करनी होती है, सबको याद है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो कौन सी लाइबिलिटीज जो है जिनको हम पहले पे करेंगे? यार एक बात बताओ, कल को मैं ना अभी एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने क्या किया, अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा पैसा अपने घर वालों से लिया, थोड़ा सा पैसा अपने दोस्तों से लिया, और थोड़ा सा पैसा ना अपने बैंक से लिया। अब अगर आपको सबसे पहले इनकम होगी तो आप अपनी फैमिली का पैसा उतारोगे, दोस्तों का उतारोगे, या बैंक का उतारोगे? खुद सोचकर बताना, ठीक है, खुद सोचकर बताओ। वैसे तो ये रिकॉर्डेड है, मैं खुद ही बता देती हूँ अभी। यार ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप लोगों को बैंक का पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक आपसे ब्याज चार्ज कर रहा है, ऑब्वियसली वो बाहर वाले हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर आपकी फर्म जो है उसके एसेट्स को बेचा जाता है, तो उसके एसेट्स में से जो लाइबिलिटीज आप लोगों की जाएंगी ना, सबसे पहले वो लाइबिलिटीज आप किसकी पे करोगे? थर्ड पार्टीज की। थर्ड पार्टीज मतलब जो बाहर वाले, जैसे बैंक का एग्जाम्पल मैंने दिया। उसके बाद आप किसका पैसा पे करोगे? जो आपके पार्टनर्स ने लोन दिया। पार्टनर्स जो लोन देते हैं फर्म के अंदर उसको हम एडवांसेस बुलाते हैं। पार्टनर्स जो लोन देते हैं फर्म के अंदर उनको हम क्या बुलाते हैं? एडवांसेस बुलाते हैं। वो पे कर दो। अब फिर भी आपके एसेट्स को बेचने के बाद अभी भी पैसा बच गया, तो बेटा जो आपकी पार्टनर्स की कैपिटल है ना, वो लौटा दो, ठीक है। अब फिर पैसा बच गया, बहुत अच्छी बात है। बच गया मतलब रेसिड्यू बैलेंस जो होगा वो पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रपोर्शन के हिसाब से। बस हो गया सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। समझ रहे हैं? तो आइए जरा एक बार सिर्फ हेडिंग पढ़ ले। ओफो, हाँ जी, क्या है देखो, 45 कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस, ठीक है, राइट टू एनफोर्स वाइंडिंग अप। 47 कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। 48 मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स बिटवीन दी पार्टनर्स। 49 पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड दी सेपरेट डेब्ट। अब ये क्या आया है मैम? 49 कर लेते हैं। 49, 50 और 51
ये तीनों सेक्शंस मैं अभी कराती हूँ, 49, 50 एंड 51। फिर उसके बाद हम वापस से इस हमारे पावर पॉइंट के ऊपर वापस से आएंगे, पीपीटी के ऊपर, एंड देन एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आगे भी बढ़ते जाओ, पीछे का भी हमारा चलता रहे, यही तो कंसेप्ट होता है थ्योरी के ऊपर कमांड करने का। जल्दी आप लोगों के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हाफ एन आवर का ही एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वेर आई टीच यू हाउ टू क्रैक अ थ्योरी सब्जेक्ट, हाउ यू गाइज हैव टू प्रिपेयर फॉर अ थ्योरी सब्जेक्ट। ओके, सुनो तो हो गया सेक्शन 48, अब आती है बारी। अब आई जी हमारी किसकी बारी, 49, पेमेंट ऑफ दी फर्म्स डेब्ट और दी सेपरेट डेब्ट। अगर आपके पार्टनरशिप के अंदर जो है, फर्म के अंदर, मैं फर्म ही लिखती हूँ सीधा, है ना, बिजनेस बिल्डिंग्स, ये आपकी फर्म्स है, फर्म है आपके, अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर ना, ठीक है, काफी सारे एसेट्स रखे होंगे, ऑब्वियसली वो एसेट्स में से बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ एसेट आपके फर्म के हों और कुछ एसेट आपके पर्सनल हो। जैसे कि हमारी ये जो MKN का इंस्टीट्यूट चल रहा है ना, इस इंस्टीट्यूट के अंदर पता है क्या हुआ, हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, सब कुछ है, मगर उसमें ना एक मशीनरी है, फोटोकॉपी की मशीनरी है, वो ना हमारे दुआ सर की है, मनीष दुआ सर की है। अब वो अगर उन सर की है, वो तो बस ले आए थे इमरजेंसी में कि ठीक है मैडम, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या फिर मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कर लो और जो फोटोकॉपी कराना है करा दो, वापस से फिर ये मेरे घर भेज देना। अब घर भेजते उससे पहले डिसोल्यूशन का डिसीजन ले लिया गया कि फॉर्म को डिसॉल्व करवाना है, तो लॉ कहता है अब ये जो एसेट्स आपके फॉर्म के अंदर रखे हुए हैं, ये सारे एसेट्स यानी कि सभी पार्टनर्स के नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म के एसेट्स होते हैं उसे तो हम क्या बुलाते हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी। फॉर्म के एसेट्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी बुलाते हैं ना, लेकिन ये जो पर्सनल एसेट्स होते हैं ये तो होती है आपकी बेटा सेपरेट प्रॉपर्टी, ये होती है आप लोगों की क्या, सेपरेट प्रॉपर्टी। अब मान लो MKN के ऊपर जो लॉसेस, जो कर्जा चढ़ा, जो डेप्ट हुआ है ना, टोटल जो डेप्ट चढ़ा है वो कितने का चढ़ा है, 60,000 का। हम तीनों के ऊपर जो डेप्ट चढ़ गया वो कितना, 60,000 का, लेकिन ना हमारे जो मनीष सर है इनके ऊपर भी डेप्ट अभी चढ़ा हुआ है एक पर्सनल, उन्होंने ना अपना एक लोन वोन ले रखा था, पर्सनल लोन, इनका एक पर्सनल डेप्ट है, ये है फॉर्म का डेप्ट और ये हो गया पर्सनल डेप्ट, क्योंकि ये पैसा इन्होंने अपनी लिए लिया था, पर्सनल डेब्ट। ओके, लोन मानो कितने का, से 20,000 का, सिंपल और छोटे वो ले लेते ना, तो हमें कंसेप्ट पे फोकस कर लेते हैं, जरूरी नहीं है 2 करोड़ 2 लाख लोगे तो ही मजा आएगा। अरे भैया हम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, ये फिगर्स के ऊपर, ये नंबर्स के ऊपर ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब देखो लॉ मेकर समझाना चाहते हैं 49 के तहत क्या, कि कैसे होगी पेमेंट आपके फॉर्म के डेब्ट्स की और कैसे होगी पेमेंट आपके सेपरेट डेब्ट्स की। जैसा मैंने बताया एसेट्स आपके फॉर्म के भी होते हैं, एसेट्स आपके पर्सनल भी होते हैं, इसी तरीके से डेब्ट आपके फॉर्म के भी होते हैं, डेब्ट आपके पर्सनल भी होते हैं, है ना। लॉ कहता है प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म शेल बी अप्लाइड, फॉर्म की जो भी प्रॉपर्टी होगी ना, इसका इस्तेमाल जो है सबसे पहले किया जाएगा फॉर्म के डेब्ट्स को चुकाने के लिए। ठीक है, फॉर्म के डेब्ट्स को चुकाने के लिए, लेकिन अगर अभी भी आपके एसेट्स बच गए, मानो 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, मान लो इसमें से आपने 60,000 के डेब्ट्स चुका दिए, तो लॉ कहता है अब वो जो 40,000 बचा ना, उससे आप अगर चाहें तो किसी एक पार्टनर के पर्सनल डेब्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनल डेब्ट्स को चुका सकते हैं, भाई शेयर कर दिया जाएगा, है ना, ये 40,000 जो बच गया इसको हम तीनों में बांट दिया जाएगा, और बांट लेने के बाद जिसका जो हिस्सा बनता है वो अपने पर्सनल डेब्ट उससे चुकाए। सिंपल है, ये फॉर्म के डेब्ट थे, मगर मैंने क्या कहा था, ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, तीनों का हक बनता है। अब 1 लाख में से फॉर्म के हमने जो है डेब्ट वो उतार दिए, वो हम लोगों ने क्या कर दिए, चुकता दिए, मतलब पे ऑफ कर दिए, तो 1 लाख में से जब 60,000 का फॉर्म का कर्जा उतार दिया तो 40,000 हम तीनों में बट जाएगा, मानो 20,000 केटी सर का, 20,000 मनीष सर का और 10,000 आपकी नीति मैडम का। तो मनीत सर जो है अपने वो फॉर्म के अब 20,000 एसेट्स से अपने पर्सनल डेप्ट चुका सकते हैं, क्योंकि वो 20,000 तो अब मनीष दुआ सर के ही हो गए ना, समझे ना बात को। तो यही बात दी गई है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म, नाउ आई एम रीडिंग इट, सुनना हाँ ध्यान से, प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म
शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी से सबसे पहले फर्म के जो डेब्ट्स है वो चुकाए जाएंगे, एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस, और अगर है कुछ भी आपका सरप्लस, देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेब्ट। ठीक है, मनीष दुआ सर के टोटल जो फर्म के डेब्ट थे वो कितने के थे, 1 लाख के। इसमें से फर्म की प्रॉपर्टी कितने की थी, 1 लाख की। फर्म प्रॉपर्टी मतलब जॉइंट प्रॉपर्टी। इस एक में से फर्म के डेब्ट चुका दिए 60,000, बचे मेरे पास कितने, 40,000। तो इस 40,000 में से दुआ सर का जितना भी शेयर बनता है उससे वो क्या कर सकते हैं, अपने सेपरेट डेब्ट पे कर सकते हैं। जॉइंट उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी ना, वैसे भी जॉइंट एसेट्स थे तो उनका भी तो हिस्सा बनता है, समझ रहे हो। कुछ 40,000 में से मनीष सर का कितना हिस्सा बन रहा था, 20,000 का, केटी सर का 20,000 का, और नीति मैडम का आपकी 10,000। ये 20,000 के अब फॉर्म के एसेट्स में से वो अपना पर्सनल लोन जो है 20,000 का उतार सकते हैं। सिंपल। अब नेक्स्ट आती है बात कि मैम, ये देखो ये आया सेकंड पॉइंट। अरे रे, गाइज लिखते जाइएगा, हाँ साइड बाय साइड। ये फोर्थ पॉइंट आ गया गलती से, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट है, वैसे हम लोगों का ये सेकंड पॉइंट है। देखो क्या है, अब लॉ कहता है कि अगर आपके पार्टनर्स के जो भी सेपरेट प्रॉपर्टी है उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मैं बताती हूँ क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप हम लिखते हैं सारी सिचुएशन को जरा यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। MKN के assets, MKN के debts, यानी कि ये फॉर्म के assets और ये फॉर्म के debts, ठीक है। assets कितने के हैं, 1 लाख के। debts कितने के हैं, मान लो 50,000 के, 50,000 के। अच्छा, मनीत सर जो हैं आपके, इनके पर्सनल एसेट्स कितने के हैं, मान लो 2 लाख के, ठीक है। और इनकी जो लाइबिलिटीज हैं, डेब्ट्स हैं, वो कितने की हैं, मान लो 2.5 लाख की, ठीक है। तो लॉ कहता है ट्रीटमेंट कैसे होगा सेपरेट डेब्ट्स का। अब अगर आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी है ऑफ एनी पार्टनर, तो उस सेपरेट प्रॉपर्टी को सबसे पहले ना उसके सेपरेट डेब्ट्स चुकाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पर ये 1.5 लाख का डेप्ट है, ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ मनीष दुआ सर से, सर जाओ अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी लेकर आओ। तो मनीष दुआ सर कहेंगे मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ले आऊंगा, क्योंकि सारे पार्टनर्स पर्सनली लाइबल होते हैं, मैं भी लाऊंगा मैडम, आप भी लेकर आना, लेकिन जो मेरे पर्सनल एसेट्स है ना उसमें से सबसे मैं अपने पर्सनल डेप्ट पे करूंगा। मतलब मेरे जो एसेट्स हैं 2 लाख के, इससे मैं पहले अपना पर्सनल डेप्ट पे करूंगा। तो अब कुछ बचेगा, पर्सनल एसेट्स कितने के थे, 2 लाख के, कितने के थे 2 लाख के, और लाइबिलिटीज कितनी थी पर्सनल, 2.5 लाख की। भैया पर्सनल लाइबिलिटीज ज्यादा हैं और डेब्ट्स मेरे क्या हैं, कम हैं, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होगा क्या। लॉ कहता है भाई ये पर्सनल एसेट्स हैं, इसका इस्तेमाल पार्टनर पहले अपने पर्सनल डेब्ट्स चुकाने के लिए करेगा। हाँ, अगर पर्सनल एसेट्स आप लोगों के बच जाते हैं ना, तो सरप्लस आप लोगों को, मानो अगर ये 3 लाख के होते एसेट्स और पर्सनल डेब्ट्स कितने के थे, 2.5 लाख के, तो 2.5 लाख के अपना पर्सनल लोन चुकाने के बाद जो 50,000 अब मनीष सर के पास बचे हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा आपके डेब्ट्स चुकाने के लिए। किसके, फॉर्म के डेब्ट्स। मैं पढ़ देती हूँ एक बार ही आप लोगों के लिए। द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शेल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स, सेपरेट डेब्ट्स, एंड सरप्लस इफ एनी इन द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 49। 48 किस चीज का था, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का, है ना। 48 किस चीज का था, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का था मैम। 47 कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। 46 किस चीज का था, राइट टू एनफोर्स वाइंड अप। 45 कंटिन्यूइंग लायबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस। जब आप पढ़ाई करते हो ना तो पता है ऐसे ही पढ़ा करो, जैसे कभी आपने ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ लिया, फिर नीचे से ऊपर तक पढ़ लो,
मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइन ही उल्टी पढ़ने जा रहे हो, ऐसा नहीं, मतलब टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक की जो सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर दो। टॉपिक की सीक्वेंस को रिवर्स करने से क्या होता है कि एक आप लोगों के लिए चेंज हो जाता है, ठीक है, एक चेंज हो जाता है, बोरिंग कम लगता है आप लोगों को, इंटरेस्टिंग ज्यादा लगता है, और फिर हमारा काम भी बन जाता है, सिंपल है। अब आइए नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ही कर रहे हैं अभी तो हम लोग, ये देखो। तो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस आया सेक्शन 50, जो कि ना सेक्शन नंबर 16 से ही रिलेटेड है। सेक्शन 16 याद है, टॉम एंड जेरी वाला, वो जेरी गुस्से में एकदम, मैंने बनाया था एक फोटोग्राफ दिखाया था आपको, वहां सेक्शन 16 में क्या सिखाया गया था कि पार्टनरशिप में रहते हुए, आप पार्टनरशिप के अंदर रहते हुए कोई भी पार्टनर जो है वो आपका नहीं बना सकता है क्या पर्सनल प्रॉफिट्स। उसी तरीके से अगर आपने डिसोल्यूशन का डिसीजन ले लिया है और अभी वाइंडिंग अप तक पहुंचते हुए बीच में अगर कोई आपने पर्सनल प्रॉफिट कमाया तो वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा, अकाउंटेबल हो जाओगे आप, आंसरेबल हो जाओगे। कैसे? मानो ये जो मेरी फर्म चल रही है ना, सुनना हाँ ध्यान से, इसके ना एसेट्स बेचने थे, तो आपकी नीति मैडम ने इन एसेट्स को बेच दिया। मैंने बेचा, कितने का बेचा? 40,000 का। फर्म को क्या बता रही हूँ? 30,000। 10,000 मैंने अपनी जेब में रख लिए। रख सकती हूँ? रख सकती हूँ क्या? नहीं। अब दुआ सर कहते हैं, मनीत सर मुझे क्या कहते हैं, मैडम अब आप ऐसे नहीं कर सकते, सेक्शन 16 अप्लाई हो गया, आप पर्सनल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगी नहीं, अब कौन सी पार्टनरशिप चल रही है, अब तो मैं पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। तो फिर उस टाइम पर मुझे मनीत सर कहेंगे सेक्शन 16 माना एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, लेकिन डिसोल्यूशन के लिए ना नया सेक्शन बना दिया, डिसोल्यूशन के टाइम पर और वाइंडिंग अप से पहले इस बीच में भी अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न किए, चाहे पब्लिक नोटिस दे रखा है तब भी, चाहे अब दुनिया जानती है कि आपकी फर्म आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगी, ठीक है, तब भी आप कोई भी पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकते। अगर किया तो उसका जवाब देना पड़ेगा, वो आपको अपनी फर्म को बांटना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। हाँ, अगर पार्टीज ने कुछ और डिसाइड कर रखा है तो अलग बात है, तो अलग बात है। जैसे पता है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सुनो। सारे लाइबिलिटीज चुका लेने के बाद हम लोगों के पास जो बचा ना पैसा, वो हमारे पास क्या क्या बचा? मनीष सर के पास बचे 40,000, केडी सर के पास बचे 40,000, और मैंने कहा मुझे ना कैश नहीं चाहिए, एक ना फर्नीचर रखा था वो मैंने ही ले लिया, मैंने कहा मुझे कैश मत दो, मुझे फर्नीचर दे दो, वो फर्नीचर की कॉस्ट भी 40,000 के आसपास ही थी। तो आपकी नीति मैम ने कैश लेने की बजाय फर्नीचर ले लिया। अब मैंने फर्नीचर ले तो लिया, ठीक है, लेकिन ना कुछ समय बाद ना, मानो एक दो दिन बाद ना, मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरे काम का नहीं है फर्नीचर, अब इससे पहले कि ये और डेप्रिशिएट हो जाए मैंने इसको बेच ही देती हूँ। 1 लाख का लिया था, अब आज की डेट में उसकी कॉस्ट हो रही है अप्रोक्सीमेटली 40,000 की। जब अब इस फर्नीचर को मैं बेचने गई, ये कब की सिचुएशन बता रही हूँ, जब सारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हो गया है, ठीक है, सारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑलमोस्ट हो गया, सरप्लस हम तीनों में बट चुका है, सरप्लस के नाम पर मनीत सर को मिले 40,000, केटी सर को मिले 40,000, और मुझे कितना मिल रहा है? 40,000 का फर्नीचर। मैं मार्केट में जब इसको बेचने गई ना, तो मैंने इसको बेटा 46,000 में बेचा। तो मनीष सर मुझसे लड़ने लग गए, मैडम सरप्लस में हम तो ले गए 40,000, आपको फायदा हो रहा है 46,000 का, ये आपको नहीं हो सकता, ये 6,000 रुपया एक्स्ट्रा अब आप हम तीनों में बांटो इक्वल। अब मैं बांटूंगी क्या? नो, अब मैं नहीं बांटने वाली, ये तो मेरा अब सरप्लस हो गया था, ये तो मेरी अब एक तरीके से पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, और डिसोल्यूशन का हिसाब किताब सारा हो चुका। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, आप मुझे 40,000 का फर्नीचर दे चुके हो, अब आपको इंटरफेयर करने का मतलब नहीं बनता। यार एक बात बताओ, कल को अगर ये 40,000 का फर्नीचर 38,000 में बिकता तो क्या मनीत सर और केटी सर 2,000 का लॉस मेरे साथ शेयर करते? कभी भी नहीं करते, तो प्रॉफिट कैसे शेयर कर लेंगे? अब पार्टनरशिप थोड़ी ना है, समझ रहे हैं? तो सेक्शन 50 कब की बातें करता है, जब डिसोल्यूशन का डिसीजन ले लिया मगर वाइंडिंग अप से पहले, इस बीच में अगर आपके किसी भी पार्टनर ने पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, ही इज अकाउंटेबल, ही इज आंसरेबल, उनकी जवाबदेही बनती है किसको? बाकी के पार्टनर्स को, और वो पैसा देना भी पड़ेगा। एक बारी रीड कर लें, एग्जाम्पल आप अपने आप पढ़िएगा, मैं वैसे रीड कर देती हूँ। सेक्शन 50, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन, एनी पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड बिफोर द फर्म इज फुली वाउंड अप मस्ट बी अकाउंटेड फॉर बाय देम टू द अदर पार्टनर।
नर्स। सिंपल है। अब आती है जी कहानी किसके बारे में, सेक्शन नंबर 51। देखो ये 51 करवाने से पहले ना मैं जरा थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। ये जो हमारी फॉर्म चल रही थी MKN, इस फॉर्म के को हमने बेटा स्टार्ट किया था 1 जनवरी में, ठीक है, 2020। और हमने ना, ये मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ये मेरी क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो हमने ना 8 ईयर्स के लिए फॉर्म करी है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो हम लोगों ने 8 ईयर्स के लिए फॉर्म करी है। गाइज एक बात और, अगर आप लोगों के पास ना मेरे पार्टनरशिप की पुरानी बुक है या मेरी पार्टनरशिप के पुराने नोट्स हैं आपके पास, तो प्लीज घबराइएगा मत। ये मत सोचिएगा कि ये जो मैम ने अभी नोट्स ओपन करे हुए हैं और हमारे पास जो बुक है ना, इसकी फॉर्मेटिंग अलग है। बस फॉर्मेटिंग ही अलग है, कंटेंट अलग नहीं है। सबका कंटेंट बिल्कुल एकदम सेम है। देखो लॉ मैंने नहीं बनाया है ना, लॉ आपके इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया, लॉ तो पहले से बन चुका है, हम बस उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो। तो प्रेजेंटेशन करते समय हमें क्या होता है, फॉर्मेटिंग पर भी ध्यान देना होता है। फॉर्मेटिंग जब हम लोग कर रहे हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कभी कभी ना आप लोगों को क्या होता है कि फॉर्मेटिंग चेंज हो जाने की वजह से ना बच्चा सोचता है नहीं यार पुरानी बुक। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई चेंज अभी तक आया नहीं। जो बड़े बड़े चेंजेस आते हैं वो कंपनीज एक्ट में ही आते हैं। तो अगर अभी आपके पास मेरी पार्टनरशिप की पुराने नोट्स भी है ना, पुरानी बुक भी है, वैसे ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी प्रिंट कराई थी 2 महीना पहले, ज्यादा पुरानी नहीं है, तो आप घबराइएगा मत, ठीक है, वो नोट्स कंप्लीट हैं, ट्रस्ट मी। अब देखो पर्टिकुलर पार्टनरशिप 8 साल के लिए बनाई, ठीक है। अभी हमारी पार्टनरशिप को बस 6 साल हुए थे। आफ्टर 6 ईयर्स ना, आफ्टर 6 ईयर्स हमारे साथ जो है एक नए पार्टनर ने ज्वाइनिंग करी जिसका नाम है अंकित, ठीक है। अंकित नाम के हमारे पास एक पार्टनर है जिन्होंने ज्वाइन किया। अब ज्वाइन कर लिया इन्होंने, अब एक बात बताओ, 2 साल ये हमारे साथ पार्टनरशिप में रहेंगे, 2 साल। मगर देखा जाए तो इनको 6 साल पुराना बना बनाया बिजनेस मिल गया ना, बना बनाया बिजनेस मिल गया। तो लॉ मेकर्स कहते हैं अंकित आप कैपिटल तो लेकर आओगे, एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, आप कैपिटल तो लेकर आओगे, मगर ये जो 6 साल की आप गुडविल एंजॉय करोगे, 6 साल की फॉर्म की रेपुटेशन और गुडविल को आप एंजॉय करोगे, इसका पैसा भी तो दो। तो ये जो गुडविल की कॉस्ट होती है ना, गुडविल की जो कॉस्ट है, इसका नाम क्या है रखा गया, प्रीमियम। इसका नाम बच्चे क्या रख दिया गया, प्रीमियम, जो अंकित को पे करना पड़ेगा। तो कैपिटल भी आप लोगों की मॉनिटरी टर्म्स में होती है, पैसा देगा एक तो कैपिटल के नाम से, और अंकित पैसा देगा किसके नाम से, प्रीमियम के नाम से। किसके नाम से पैसा देगा, प्रीमियम के नाम से, ठीक है, प्रीमियम के नाम से पैसा दिया जाएगा। तो लॉ मेकर्स कहते हैं सुनो मेरी बात, अगर ये जो मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है इसका प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाए, क्या हो जाए इसका, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। प्री मेच्योर मतलब मैडम अभी 8 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले हम फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, अभी 8 साल पूरे नहीं हुए उससे पहले फॉर्म को खत्म करने जा रहे हैं। तो लॉ कहता है ये जो आपका नया पार्टनर आया था, साथ में प्रीमियम लेकर आया था, इसके हिस्से का प्रीमियम इसको लौटाओ, कम ज्यादा पूरा आधा जितना आपको लगता है, जितना आप लोगों ने आपस में पहले डिसाइड किया था या बाद में डिसाइड करेंगे, जैसे भी उस हिसाब से इसको प्रीमियम भी लौटाओ, क्योंकि आपने इससे गुडविल का कॉस्ट लिया है ना, और इसने भी पैसा भरा, ये सोच के कि 8 साल तो है, 8 साल में से 6 साल बीत भी गए, कम से कम मैं 2 साल तो पार्टनर बना रहूंगा। अंकित ने भी यही सोचा ना, एडमिशन हुआ था जब इनका, कि मैं 2 साल तो पार्टनर बना रहूंगा। मगर आपके 7वें साल में ही पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो गया। तो लॉ कहता है रिटर्न करो प्रीमियम ऑफ पार्टनरशिप्स, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, रिटर्न ऑन प्रीमियम ऑफ द पार्टनरशिप्स, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। नाउ इफ एनी प्रीमियम हैज बीन पेड बाय पार्टनर फॉर एंट्री इनटू द फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप एंड इट इज डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, यानी कि अगर मैं कहूँ ना, तो ये सेक्शन बेटा, ये सेक्शन पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए ही बना है, समझ रहे हो। इसमें पार्टनरशिप एट विल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल का कोई फिक्स्ड पीरियड थोड़ी ना होता है,
इच्छा से बनती है, इच्छा से खत्म हो जाती है, लेकिन जो मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है उसका तो बेटा एक आप लोगों का क्या होता है, फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, वो फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर अंदर पार्टनरशिप चलती है। अब अगर उससे पहले पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाए तो मैं कहती हूँ हुआ है हमारा क्या, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। ठीक है, अब इफ एनी प्रीमियम हैज बीन पेड बाय पार्टनर फॉर एंटरिंग इनटू द फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप एंड इट्स डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, देन ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ प्रीमियम होली और पार्टली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टर्म्स ही वाज एंटर्ड इनटू। समझ रहे हो? लेकिन लेकिन अगर ये डिसोल्यूशन हो रहा है डेथ की वजह से तो इसमें तो किसी की कोई गलती नहीं है। अगर ये डिसोल्यूशन हो रहा है पार्टनर्स के सबके अपनी मर्जी की वजह से, और अंकित भी कह रहा है कि हाँ ठीक है करा लो डिसोल्यूशन, मुझे नहीं चाहिए प्रीमियम, या फिर ये आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है अंकित के न्यू पार्टनर के मिसकंडक्ट की वजह से, इसके बैड बिहेवियर की वजह से, इसकी हरकतों की वजह से पूरी फर्म में डिसॉल्व करनी पड़ रही है, तो इन तीनों ही केसेस में आपको ये प्रीमियम अपने नए पार्टनर को वापस करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से केसेस? डेथ, मिसकंडक्ट बाय द पार्टनर हु पेड द प्रीमियम, एंड अगर इनके बीच में आपस में कोई अग्रीमेंट बना है कि प्रीमियम नहीं दिया जाएगा और फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो लॉ कहता है प्री मेच्योर डिसोल्यूशन में फिर आप प्रीमियम पे नहीं करोगे, अदरवाइज आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन, बोलो जल्दी जल्दी, 51, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 51। आओ तो देखो जरा कितने हो गए, अरे वाह हमारे आधे से ज्यादा हो गए। एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं, भागते नहीं है ना आगे, हेडिंग पढ़ लेते हैं बस। कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस सेक्शन 45, राइट टू एनफोर्स वाइंडिंग अप सेक्शन 46, 47 कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, ये अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन वाला, 48 मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड सेपरेट डेब्ट सेक्शन 50, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन, ये तो बड़ा छोटू सा था हमारा, और 51 ये भी बहुत छोटा सा है। ये सारे सेक्शन ना छोटे छोटे से सेक्शन है, तो बच्चा एक बार को घबरा जाता है, हाँ मैम इतना सारा, ये तो अत्याचार हो गया। अरे बेटा डिग्री भी आपको ही मिलेगी, कोई अत्याचार नहीं हुआ, आपकी डेवलपमेंट हो रही है। आपको अभी तक आप सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के खिलाते थे, अभी तक आप 12th पास आउट थे, अब आप CA फाउंडेशन अपियरिंग कहलाओगे, आपके दिमाग में इतनी नॉलेज डाल दी जाएगी कि जब आप मुंह खोलें तो लगे हाँ ये बच्चा CACS या CMA कर रहा है, ये प्रोफेशनल बच्चा है हमारा। समझ रहे हो? इसलिए आपको इतना ज्ञान दिया जा रहा है। पास होना सिर्फ हमारा मकसद थोड़ी ना है, पास तो आप बड़े आराम से हो जाओगे, हमारा मकसद है बच्चे आपके माइंड में ये सारी नॉलेज डालना कि कल को जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर जाएं आप एक फाउंडेशन का बच्चा आपको इज्जत से देखे कि हाँ यार ये इंटर का बच्चा है, इसको यानी फाउंडेशन की सारी नॉलेज है। समझ रहे? अब 52, 52 भी देख लेते हैं। लॉ कहता है अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व होती है, किस वजह से अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है, राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रेसेंडेड, रेसेंडेड का मतलब क्या है, कैंसल्ड, अब देखो इस कैंसल कर रहे हो आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को, क्यों कर रहे हो? क्योंकि किसी एक पार्टनर ना बार बार आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, बार बार आप लोगों को जो है उल्लू बना रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो लॉ कहता है ऐसे केसेस में ना, मानो जैसे मेरी पार्टनरशिप चल रही थी ना MKN, इस पार्टनरशिप में आपकी नीति मैम धोखे पे धोखा दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, तो मुझे बताओ मनीष दुआ सर और केटी सर मेरे साथ फिर रहना चाहेंगे? नहीं, मना कर देंगे, मैडम सॉरी आपके साथ हमें नहीं रहना और हम पार्टनरशिप को अब डिसॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हो, धोखा, द फ्रॉड, है ना? तो इसीलिए लॉ मेकर्स कहते हैं बची हुई जो ये हमारी पार्टीज है ना, यानी कि आपके मनीष सर और आपके कौन दुआ, आपके सॉरी केटी सर, इन दोनों के पास पता है क्या राइट है कि सारे डेब्ट्स चुकाने के बाद ना जो पैसा बच जाएगा, वैसे हमने क्या सीखा था, सारे आपके डेब्ट्स और लॉसेस पे कर लेने के बाद जो सरप्लस होता है सब पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, मगर लॉ कहता है नीति मैडम आप तो फ्रॉड हो, आपको सरप्लस नहीं मिलेगा, आपको सरप्लस नहीं मिलेगा,
सारे एसेट्स बेचने के बाद और लॉसेस पे कर लेने के बाद, एसेट्स बेचा, लॉसेस पे ऑफ कर दिए, या जो भी आपने, जो भी आपके डेब्ट्स थे वो आपने पे कर दिए, अब आपके पास जो सरप्लस बचा ना आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स, लॉ कहता है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मनीष सर और केटी सर लीन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लीन का मतलब क्या होता है, टू रिटेन, सोगा में भी पढ़ाऊंगी इसके बारे में इन डिटेल। लीन का मतलब क्या होता है, टू रिटेन। मानो मनीत सर ने क्या किया, सारे एसेट्स को बेचकर फॉर्म के डेट चुका दिए, अब पैसा उनके पास जो बचा कुचा रखा है तो लॉ कहता है अपने पास ही रखो, अपने पास ही रखो, नीति मैडम को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीति मैम की वजह से, उनके फ्रॉड की वजह से हमारी ये पार्टनरशिप फॉर्म क्या होने जा रही है, कैंसल्ड। सिंपल है ना, है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा अब अगर एसेट्स का ट्रीटमेंट होता है या फिर मानो कैपिटल पे ऑफ करी जाती है, तो मैंने देखो सामने यहाँ पर क्या सिखाया था, कहाँ गया वो सेक्शन 48, मैंने यहाँ पे क्या सिखाया था कि सबसे पहले अगर एसेट्स आपके बिकते हैं तो थर्ड पार्टीज की पेमेंट होती है ना, फिर पार्टनर्स के एडवांसेस दिए जाते हैं। तो लॉ कहता है एक बार आपने बाहरी डेब्ट्स दे दिए ना, उसके बाद सबसे पहले मनीत सर और केटी सर जो है ना, इनका पैसा चुकाया जाएगा, इनको हम थर्ड पार्टी मानकर चलेंगे, इनको हम क्रेडिटर मान लेंगे। नीति मैडम ने अगर कोई लोन दिया भी है, नीति मैडम ने अगर कोई कैपिटल पे करी भी है ना, तो नीति मैम की कैपिटल भी बाद में दी जाएगी, सबसे पहले मनीत सर और केटी सर का हिसाब किताब किया जाएगा, क्योंकि नीति मैम आपने तो क्या किया है, धोखा दा फ्रॉड। तो जो भी हमारी पार्टी मिसलीड हुई है ना, कौन सी पार्टी, मनीत सर और केटी सर, रिमेनिंग पार्टनर्स, मैं तो धोखा किया आप सबके साथ, वो पार्टी के पास बच्चे ये तीन राइट्स हैं। सरप्लस के ऊपर वो कब्जा कर सकती हैं, मतलब कब्जा क्या करना, उनके पास है अपने पास ही रखें, मुझ तक बांटने की जरूरत नहीं है, खुद को क्रेडिटर की पोजीशन पर ले आएंगी और सारा पैसा अपना पहले चुकवाएंगी। मनीत सर कहेंगे, केटी सर कहेंगे कि अब जो भी पैसा बचा है उससे सबसे पहले हमारा कैपिटल, हमारे एडवांसेस पे करो, अब भी फिर कुछ बच गया तो नीति मैडम आप लेकर जाना, अदरवाइज हम आपको नहीं देंगे। धोखा किया ना मैंने, और मेरे धोखे की वजह से अगर किसी भी तरीके का नुकसान हुआ तो मनीत सर और केटी सर क्या करेंगे, मुझसे कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, कि दे हैव गॉट द राइट, व्हाट राइट, टू एन इंडेमनिटी फ्रॉम द पार्टनर्स गिल्टी ऑफ फ्रॉड। कौन सा पार्टनर है वो आपका, नीति मैम आपकी, और मिसरिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ऑल द डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। सिंपल है, ठीक है। अब आइए सेक्शन 53, वैसे मैंने पहले करवाया हुआ है आप लोगों को, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये बस ये कहता है कि आपने अगर डिसोल्यूशन का डिसीजन लिया है, सुनो मेरी बात, और अब आप वाइंडिंग अप पर जा रहे हो, डिसोल्यूशन का डिसीजन लिया है और अब आप कहाँ जा रहे हो, वाइंडिंग अप पर जा रहे हो, तो इस दौरान भी आप कोई अपना सेपरेट बिजनेस ओपन करके फॉर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से फॉर्म के नाम या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक कि जब आपकी पूरी की पूरी फॉर्म वाइंड अप नहीं हो जाती। कहने का क्या मतलब, आज एमकेएन डिसॉल्व हो रही है मान लो, ठीक है, इस दौरान में ना कोई फर्नीचर था, वो फर्नीचर ना हमारे केटी सर ले गए और अपना सोल प्रोप्राइटरशिप से ना अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी, सोल प्रोप्राइटरशिप से अपनी कोचिंग क्लासेस क्या कर दी, शुरू कर दी। मुझे भी नहीं बताया, मनीत सर को भी नहीं बताया कि आप ना ये जो बिजनेस कर रहे हो केटी सर, इसमें जो फर्नीचर यूज हो रहा है ये किसका है, फॉर्म का, नाम भी इन्होंने रख दिया एमकेएन, नाम भी यूज कर रहे हो, तो लॉ कहता है फॉर्म की प्रॉपर्टी और फॉर्म के नेम का इस्तेमाल नहीं होगा। मेरे और मनीत सर के पास ये राइट है कि हम ऐसा रोक, रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ऐसी रोक लगा सकते हैं फ्रॉम द यूज ऑफ फॉर्म्स नेम और प्रॉपर्टी ऑफ दी। मगर मगर सिंपल है ये, अगर हमारे केटी सर ने इस प्रॉपर्टी फर्नीचर को खरीदा है हम दोनों की मर्जी से, नीति मैम की मर्जी से और मनीत सर की मर्जी से, या फिर मानो गुडविल है, प्रॉपर्टी के नाम पे गुडविल खरीद ली, तो अब केटी सर हमारे कौन बन जाएंगे, परचेजर ऑफ द गुडविल, है ना, गुडविल, और मैं और मनीत सर क्या बन जाएंगे, सेलर ऑफ द गुडविल। तो लॉ कहता है सेलर ने पैसा खा लिया भाई गुडविल का, तो वो तो गुडविल नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, मगर परचेजर तो कर सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को अगर खरीद लिया
तो नोकिया के जो पुराने ओनर्स है वो नोकिया का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट तो कर सकता है और गा भी सकता है कि मैं संभाल रहा हूँ नोकिया को, वो नोकिया जो इतने सालों से चलता आ रहा है। मतलब आप नोकिया के नाम का इस्तेमाल भी कर रहे हो, खुद को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो कि ये नोकिया वही वाला है, पुराना वाला जिसको मैंने खरीदा है, और आप नोकिया के पुराने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। ये सारे काम जब आप कर सकते हो तो कौन कर सकता है? द परचेजर ऑफ द गुड विल। अब आप कहोगे मैम गुडविल क्या होती है? यार देखो, गुडविल को पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन नहीं करता, ऑनेस्टली बताऊं तो। ठीक है, मैं मतलब इसमें ऑनेस्टी की बात कहां से आ गई, इसमें तो लीगैलिटी की बात आई। आपके गुडविल को पार्टनरशिप एक्ट बच्चे डिफाइन नहीं करता, समझ रहे हो? गुडविल इज नॉट डिफाइंड इन दी पार्टनरशिप एक्ट। मगर ये जो गुडविल है इसका एक नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ दी फॉर्म, जो कि ओवर द इयर्स आप लोगों की अराइज होती है। एक दिन में नहीं गुडविल बन जाती है, ये ओवर द इयर्स। जैसे नोकिया की भी एक गुडविल बन गई थी, बहुत रिलायबल ब्रांड था कभी ये, मगर कुछ हालातों की वजह से, डिस्कस करूंगी कभी, कि उसको वाइंडिंग अप में जाना पड़ा। ठीक है, तो उनका किस्सा हम कभी डिस्कस करेंगे कि नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ क्या था एक्चुअल में, विल डिस्कस इट बट लेटर ऑन। ओके, सो नाउ अब लॉ मेकर्स ये कहते हैं कि आप लोगों की जो परचेजर होगा वो क्या क्या कर सकता है? बेटा वो ओल्ड नेम को भी यूज कर सकता है, सेम बिजनेस भी कर सकता है, और कस्टमर को इंट्रोड्यूस भी करा सकता है कि मैं हूँ सक्सेसर, मैं हूँ आने वाली वो पीढ़ी, मैं हूँ वो इंसान जो इस सारे के सारे नोकिया के बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। अब नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट फिलहाल इट्स अ कंपनी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, दिल पे मत ले लेना। अब द पार्टनर सेलिंग द गुडविल, और जो सेलर होगा उसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। क्या रिस्ट्रिक्शन? वो फर्म के नेम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, मगर हाँ कॉम्पिटिटिव बिजनेस तो कर सकता है ना, या नहीं? और अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते भी है ना तो कुछ टाइम की होती है। मैंने वैसे पढ़ाया है राइट्स में, राइट टू कैरी ऑन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। और किसको राइट है? राइट आपके आउटगोइंग पार्टनर्स को, कि वो राइट है कि वो सिमिलर बिजनेस कर सकता है, वो अपने एग्जिस्टिंग ओल्ड बिजनेस को कॉम्पीट कर सकता है, कॉम्पिटिशन में उतर सकता है उसके साथ, मगर 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 कैन नॉट यूज द फर्म नेम, कैन नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन अ ओल्ड बिजनेस, और ना ही सॉलिसिट मतलब इन्फ्लुएंस, और ना ही इन्फ्लुएंस कर सकता है द कस्टमर्स ऑफ दी फर्म। ठीक है गाइस, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर बताइएगा कि आप सभी बच्चों के पास मेरा नंबर है, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को लॉ का क्वेश्चन बैंक मिल गया है या फिर नहीं मिला है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक मैंने अपनी तरफ से दे दिया है, और वो क्वेश्चन बैंक में आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आरटीपीस, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट मेरे इन नोट्स में से प्लस जो क्वेश्चन बैंक में दूंगी अगर उसमें से कंप्लीट कर लिया, तो बेटा आपने पूरा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट कर लिया, इसके बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आई कैन चैलेंज यू दैट। अब आप कहोगे मैम आप इतना चैलेंज कैसे कर सकते हो? इसलिए बेटा क्योंकि ये सब चीजें हमारे इंस्टीट्यूट की ही तो दी गई है, मैंने थोड़ी ना बनाई है आरटीपी। आरटीपी तो हमारे इंस्टीट्यूट की ही गिवन है। आगे चलकर हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, मगर ये जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं ये भी तो हम लोगों के किसकी देन है? ये देन है हम लोगों के इंस्टीट्यूट की। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। हो गया हमारा ये सेक्शन नंबर 56, आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब ये आया रजिस्ट्रेशन, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सिक्वेंसेस के मामले में मेरा सारा का सारा टॉपिक जो था वो अब खत्म हो गया है। माय टॉपिक इज ओवर। अगर मैं कहूँ ना तो पार्टनरशिप चैप्टर खत्म। यस यू हर्ड इट राइट, इट्स ओवर ना। नाउ वी गाइज आर लेफ्ट विद वन इंडिविजुअल टॉपिक। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस या अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें से कुछ बिजनेस कर रही है तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो नहीं कर रही है नॉन बिजनेस। सबसे पहले मैं डिफरेंस पढ़ाऊंगी पार्टनरशिप एंड कंपनी में, फिर मैं डिफरेंस करवाऊंगी पार्टनरशिप एंड एचयूएफ में, फिर को ओनरशिप और फिर क्लब। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए बुक में से ही कवर कराती हूँ आपको।
मैंने टैबुलर फॉर्म में आपके ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, आप लोगों को भी आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, प्लीज उसको निकाल लीजिएगा। ये आया जी पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस। देखो वैसे ना डिफरेंसेस तभी समझ में आते हैं जब आपको इंडिविजुअली दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो। तो अब इंडिविजुअली आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में तो पढ़ा है क्योंकि आप लोगों ने आईपीए जो है 1932 वो आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन कंपनी के बारे में हो सकता है अभी आप लोगों को पूरी नॉलेज ना हो। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में हो सकता है अभी आपको पूरी नॉलेज ना हो, मगर कुछ तो होगी, हमने कॉमर्स लेवल पर भी इसके बारे में पढ़ाई करी है। तो अभी हम उतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये डिफरेंसेस पूरा कर लेते हैं। अगर कोई एक आधा पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, वहां पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर डाउट। बाकी ये डिफरेंस ना जब मैं कंपनीज एक्ट करवाऊंगी मैं तब दोबारा रिवाइज कराऊंगी, समझ रहे। अब आइए डिफरेंसेज में, सबसे पहला डिफरेंस है फॉर्मेशन का। पार्टनरशिप बनती है बेटा अग्रीमेंट से, लेकिन कंपनी को ना रजिस्टर करवाना पड़ता है एक एक्ट के अंदर जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। याद है मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी बताया था कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप कंपनी बना ही नहीं सकते, अनलाइक पार्टनरशिप वेयर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, सिंपल है। नेक्स्ट, कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है, कंपनी अपने नाम से जो है प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, लेकिन आपकी जो पार्टनरशिप होती है ना उसकी अपनी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं, फॉर्म जो है उसकी अलग आइडेंटिटी नहीं है। हमने पहले दिन ही फर्स्ट लेक्चर में सीखा था फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर आपकी जो फॉर्म है इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स इट। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टनर्स या मेंबर्स, पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50, चाहे वो 50% जो है ना वो नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी दोनों मिलकर अपनी फॉर्म बना सकती हैं। फिर उनके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कहना क्या चाहती हूँ कि पार्टनरशिप के अंदर आपके मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं 50, मिनिमम होते हैं 2, चाहे से हो नेचुरल चाहे से हो आर्टिफिशियल। कंपनी में भी वैसे ये वाला कंसेप्ट है, मेंबर ना एक कंपनी का दूसरी कंपनी, अगर एक कंपनी चाहे तो दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं मेरे पास 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं 200, पब्लिक कंपनी में मेरे पास मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम कितने होते हैं, नो लिमिट, नो लिमिट एट ऑल। एग्जाम्स में अभी तक इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा नहीं गया है, ठीक है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट, सिंपल है। अच्छा, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है बच्चे वो होती है अनलिमिटेड, मैंने कहा था ना अनलिमिटेड, अगर फॉर्म्स के डेब्ट जो है ना उसको चुकाने के लिए फॉर्म के एसेट्स आर नॉट सफिशियंट तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स भी इन्वॉल्व करने पड़ते हैं अपने प्रपोर्शन के हिसाब से, तो इसीलिए पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। लेकिन कंपनी के केस में ऐसे नहीं होता, मैंने अगर 1,000 शेयर्स खरीदे हैं ना तो उस 1,000 शेयर के ऊपर मानो 100 रुपए का शेयर है, मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, मानो 1,000 शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है 100 रुपए का, तो टोटल पैसा मुझे कंपनी को कितना देना पड़ेगा, मेंबर को 1,00,000 रुपया, मेंबर से इस 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं मंगवा सकते, मेंबर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब पे करेगा, टोटल पैसा वो कितना पे करेगा, 1,000 शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है 100 रुपये का, तो टोटल पैसा इस मेंबर को कंपनी को कितना देना है, मैडम सिर्फ 1,00,000। बेटा अब इसके बाद मेरी कंपनी के ऊपर जितना मर्जी डेप्ट चढ़ जाए आई विल नेवर बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट, मेंबर इज नेवर हेल्ड लाइबल, मेंबर की लायबिलिटी क्या हो जाती है लिमिटेड, पार्टनर की अनलिमिटेड। ठीक है, अब देखो यहां पर एजेंसी रिलेशनशिप होता है ना, म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप के अंदर, म्यूचुअल एजेंसी, लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता,
मेंबर कोई एजेंट वेजेंट नहीं है, मेंबर ना तो कंपनी का एजेंट है ना किसी और पार्टनर का, सॉरी ना ही किसी और मेंबर का एजेंट है, सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। सारे के सारे छोड़ के भी चले जाएंगे ना तब भी कंपनी खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज कंपनी का एक स्पेशल फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन। मगर पार्टनरशिप में याद है हमने क्या सीखा था, कभी कभी अगर एक पार्टनर भी मर जाए ना या एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाए तो पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी के केस में होती है बेटा परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। ठीक है, नेक्स्ट आओ। पार्टनर्स जो होते हैं उनके पास मैनेजमेंट का राइट होता है ना, राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप के राइट्स में पढ़ा था, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन पता है कंपनी के केस में क्या होता है, मैनेजमेंट ना आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होती है। कंपनी का तो स्पेशल फीचर ही ये है, कुछ डिसीजन डायरेक्टर्स को लेने के लिए बोला गया और कुछ डिसीजन मेंबर्स लेते हैं, समझ रहे हो। जो डिसीजन आपका कंपनीज एक्ट कहता है डायरेक्टर लेगा, वो डायरेक्टर ही लेगा, मेंबर नहीं ले पाएगा। हाँ अगर आपका मेंबर ही डायरेक्टर है तो अलग बात है, मगर उसकी कैपेसिटी तो वही रहेगी, किसकी, डायरेक्टर की। तो यहाँ पर मैनेजमेंट किसके हाथों में होती है, पार्टनर्स के हाथों में। मगर कंपनी के केस में मैनेजमेंट किसके हाथों में होती है, ओनर्स के हाथों में, ना किसके हाथों में, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सिंपल, पार्टनर्स को कहते हैं जॉइंट ओनर, लेकिन मेंबर्स नहीं होते जॉइंट ओनर्स, दे आर नॉट, भाई वो आज है कल नहीं है। कोई प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से खरीदी गई है ना तो उसके ऊपर मेंबर अपना हक नहीं जमा सकते, सिंपल है। तभी कहते हैं कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पढ़ा था ना ट्रांसफरी वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 29, सेक्शन 29 पढ़ा था, 29 और 31 साथ में पढ़े थे हमने। सेक्शन 29 था राइट ऑफ अ ट्रांसफरीज हमने पढ़ा था, 30 था माइनर्स रिलेटेड और 31 था एडमिशन, याद आया कुछ। तो 29 और 31 साथ साथ पढ़ा था हम लोगों ने। उसके तहत कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो है दूसरे लोगों को नहीं बेच सकता जब तक बाकी के सभी पार्टनर्स का कंसेंट ना मिल जाए। लेकिन कंपनी के शेयर में पता है क्या होता है, शेयर होल्डर बाकी के शेयर होल्डर्स को छोड़ो कंपनी से भी परमिशन नहीं चाहिए उसे, और वो अपने शेयर्स को किसी को भी बेच सकता है विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ एनीबडी। क्योंकि पता है शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स आर लाइक दिस मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन मैंने जिस शॉप से खरीदा है ना, एक बार उस शॉप ने अगर मुझे ये मोबाइल फोन बेच दिया तो अब उसका कोई हक नहीं है। मुझे अगर अब इस मोबाइल फोन को किसी और को बेचना है तो मुझे शॉपकीपर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, शॉपकीपर से परमिशन नहीं लेनी, मैं अपना मोबाइल फोन किसी को भी बेच सकती हूँ। सेम शेयर्स का हिसाब है भैया, अगर मेरे शेयर्स मैंने एक बारी खरीद लिए कंपनी से, वो मेरे एसेट्स मेरी प्रॉपर्टी है, आई कैन सेल देम टू एनीवन विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी। ओके, ये पॉइंट हो चुका डिसोल्यूशन वाला। इसका गवर्निंग एक्ट ये सिंपल है, आप कर लोगे। प्रॉफिट जो यहाँ पर बटता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड जैसे डिसाइड किया, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर जो प्रॉफिट बटता है वो डिविडेंड के फॉर्म में बटता है ना कंपनी के केस में, मगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता। हाँ प्रेफरेंस का होता है, इक्विटी का तो नहीं होता ना। अब हम आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा गाइज। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और एल्स इफ यू गाइज आर हैविंग माई नंबर यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट्स। बट हाँ एक चीज है, इमीडिएट रिप्लाई की उम्मीद मत करिएगा, बिकॉज हम भी कभी कभी बिजी होते हैं ऑब्वियसली, है ना, वर्किंग है। तो आपको 12 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा। वेन एवर यू हैव द डाउट्स जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड मैसेज मी ओवर देयर। ओके, सो अब आता है सेकेंड डिफरेंस, पार्टनरशिप और HUF में क्या फर्क होता है। HUF मतलब फैमिली बिजनेस, इसको ना मैं शॉर्ट फॉर्म में कहती हूँ फैमिली बिजनेस। और जब फैमिली बिजनेस चलता है ना उसमें जो पैदा होता गया उसको मान के चलता है वो बिजनेस का हिस्सा बनता गया। मगर सारी मैनेजमेंट जो भी आपका सीनियर मोस्ट जो भी सीनियर फैमिली मेंबर है ना जिसको आप क्या बुलाते हो करता, सारी मैनेजमेंट बेटा इसके हाथ में होती है। 5 साल का बच्चा भी बिजनेस का हिस्सा माना जाता है, मगर वो उस बिजनेस के अंदर बेटा डिसीजन नहीं ले सकता। वो जो आप लोगों का डिसीजन पावर होती है वो
वो किसके हाथों में होती है? कर्ता के हाथों में। कर्ता धर्ता कहते हैं ना हम लोग, यही हमारे कर्ता धर्ता, मतलब बस यही है करने वाले, उसी से बनाइए। आपके फैमिली बिजनेस को जो हैंडल करते हैं वो यूजुअली कौन होते हैं? सीनियर, जो भी आप लोगों का सीनियर फैमिली मेंबर होता है बिजनेस का, जो बिजनेस हैंडल करता है वो। तो पार्टनरशिप और एचयूएफ में क्या फर्क है? पार्टनरशिप में कोई एक दूसरे का एजेंट नहीं होता, समझ रहे हो? सॉरी, एचयूएफ में कोई एक दूसरे का एजेंट नहीं होता, पार्टनरशिप में तो आप एजेंट होते हो। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट जो है उसका राइट सबके पास है, लेकिन फैमिली बिजनेस में राइट सिर्फ किसके पास होता है? कर्ता के पास। तो कर्ता की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, बाकी फैमिली मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है कितनी? लिमिटेड। भाई जितनी प्रॉपर्टी बाप से बेटे को मिली है उतनी प्रॉपर्टी, उतना ही कर्जा बेटे के ऊपर चढ़ेगा। ये नहीं कि बाप कर्जे पे कर्जे चढ़ाए जा रहा है और बेटा जो है फिर बेचारा पे करता रहेगा। बेटे को अगर कोई प्रॉपर्टी बाप से मिली है ना, तो ही वो लाइबिलिटीज उतनी ही पे करेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो बाप की लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, मगर बेटे की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड, अप टू द प्रॉपर्टी गिवन बाय दी कर्ता। सिंपल है? अच्छा, पार्टनरशिप में इनका शेयर कौन डिफाइन करता है? अग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड कर लेते हैं, 40-60, 60-40, 30-70, 70-30, जो भी सही लगे। इस केस में क्या होता है? द शेयर ऑफ ईच पार्टनर कैन नॉट बी डिफाइंड एज सच, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। भाई फैमिली में जितनी डेथ होती है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कम हो गए तो शेयरिंग रेशियो बढ़ गया, ठीक है? किसी का जन्म हो गया तो शेयरिंग जो रेशियो था वो कम हो गया। जैसे कभी कभी पुरानी मूवीज में दिखाते थे नहीं थे कि बाप के दो बेटे हैं, तो बेटे ने सोचा मैं अपने भाई को मरवा दूंगा तो बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा मेरे नाम हो जाएगा, है ना? तो फ्लक्चुएट होता रहता है रेशियो एचयूएफ के केस में। एचयूएफ इसका मतलब क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब वो एक ऐसी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है जिसमें अभी तक डिविजन नहीं हुआ है। डिविजन ना होने की वजह से उनका बिजनेस भी जो है ना, एक ही बिजनेस चल रहा है, सब मिलकर उसको चला रहे हैं, मगर मैनेजमेंट कर्ता के हाथ में है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर्ता की है, बाकी के आपके फैमिली मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। अब देखो तो मैंने कभी भी सिखाया कि आपका पार्टनर जो है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी के लिए सू कर सकता है, वो सीधा डिसोल्यूशन के लिए बोल सकता है कि फॉर्म को डिसॉल्व करो ताकि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हो, ताकि प्रॉपर्टी बटे सब पार्टनर्स में। लेकिन एचयूएफ के केस में पता है क्या होता है? एचयूएफ के केस में बेटा जो को पैंसर्स होते हैं ना, ये फैमिली मेंबर्स हैं, कर्ता के अलावा जितने भी फैमिली मेंबर्स जो बिजनेस का हिस्सा है उन्हें हम कहते हैं को पैंसर्स। वो अपनी प्रॉपर्टी का ना डिविजन मांग सकते हैं, वो कह सकते हैं मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दो, ठीक है, मुझे नहीं करना बिजनेस आप लोगों के साथ। फैमिली का वो बिजनेस कर्ता संभालता है, बाकी के पार्ट आपके कोपैंसर्स को। कोपैंसर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? आपके जो रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स है ना, वो कर्ता से नहीं पूछ सकते क्या अकाउंट्स की डिटेल, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर तो भाई साझेदारी का बिजनेस है, ईच एंड एवरी पार्टनर हैज गॉट अ राइट टू डिमांड इंस्पेक्ट एंड कॉपी दी अकाउंट्स ऑफ दी फर्म। यार एक बार बताओ, इंस्पेक्शन का राइट, कॉपिंग का राइट, ये तो हमने एक माइनर पार्टनर को भी दिया था, तो क्या बाकी के पार्टनर्स को नहीं मिलेगा ये राइट? मिलेगा ना, डेफिनेटली मिलेगा। बस अच्छा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एचयूएफ में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है रजिस्ट्रेशन का। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है विद द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अ पार्टनर मतलब एक सिंगल पार्टनर की डेथ, या फिर एक सिंगल पार्टनर की डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी, अगर चाहे तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकती है, मगर एचयूएफ के केस में बेटा ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो? एचयूएफ के केस में नहीं होता, बाकी के आपके पार्टनर संभाल लेते हैं, बाकी गवर्निंग लॉ हो गया। अब आइए, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। मैं एक रिवीजन लेक्चर आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगी, जिसमें जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं अपने चैनल पर वो डालूंगी आप लोगों का, ठीक है, जिसमें पूरे के पूरा पार्टनरशिप एक्ट जो है एक क्लास के अंदर आप लोगों का रिवाइज कराऊंगी। यस यू हर्ड इट राइट, रिवाइज कराऊंगी बेटा। वहां पर इन डिटेल ये जो मैडम ने आपकी एक एक पॉइंट के ऊपर मैंने जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, वहां पर मैं वो एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी, वहां पर हम सीधा लॉ पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, कि ये सेक्शन क्या कहता है और वो सेक्शन क्या
क्या कहता है? तो को ओनरशिप का मतलब क्या होता है? जॉइंट ओनर्स, चाहे बिजनेस हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? पार्टनरशिप में भी जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है ना, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को भी जॉइंट प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। देखो तो जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी मतलब कि सभी पार्टनर्स का उसके ऊपर हक बनता है। हाँ, वो हक जमा सकते हैं, मगर कब? एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन। तो मैम, पार्टनरशिप में और को ओनरशिप में फिर फर्क क्या हुआ? दोनों ही एक जैसी चीज लग रही हैं, दोनों में दो से ज्यादा लोग होंगे, दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज भी इन्वॉल्व होंगी। यार एक बात बताओ, से एज फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी सिस्टर है, ठीक है, हम दोनों ने ना मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, और वो जो प्रॉपर्टी है ना उसको हमने रेंट पे चढ़ा दिया। इसका रेंट हम दोनों सिस्टर्स में इक्वली डिवाइड होता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी वो पर्सनल प्रॉपर्टी थी जिसको हमने रेंट पर दिया, ठीक है, उसका रेंट आएगा, हम दोनों के बीच में वो डिवाइड हो जाएगा। मगर क्या हमारा ये मेन कोई बिजनेस है क्या? हम क्या 10-12 प्रॉपर्टियां खरीदते फिर रहे हैं, साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, उनको रेंट पे चढ़ा रहे हैं? हम कोई बिजनेस को थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस, वी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट वी आर नॉट कंडक्टिंग दी बिजनेस। तो अगर बिजनेस नहीं हो रहा है फिर भी को ओनरशिप है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं को ओनरशिप। ये को ओनरशिप आपकी कभी कभी अग्रीमेंट से भी अराइज होती है, जब दो फ्रेंड्स ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीद ली, और कभी कभी ये को ओनरशिप जो है वो आपकी इनहेरिटेंस भी होती है। इनहेरिटेंस मतलब जो आप लोगों को हेरिटेंस के थ्रू मिलती है, मतलब आपको जैसे आपकी फैमिली, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर फादर या मदर नहीं रहे तो ये प्रॉपर्टी बच्चों में बटेगी ही बटेगी। तो वो एक पार्टी अगर दोनों बच्चों में बट रही है, तो वो दोनों बच्चों ने बेटा कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया था, समझ रहे हो? इनहेरिटेंस से उनको वो प्रॉपर्टी मिल गई, एंड देन दे बिकम दी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मगर प्रॉपर्टी एक और ओनर दो है, इसीलिए दो या फिर दो से ज्यादा। तो मैं कहती हूं कि ये मेरा कंसेप्ट है किसका? को ओनरशिप का। एम आई क्लियर? ठीक है, ये है को ओनरशिप का थोड़ा सा कंसेप्ट। अब मैं इसके डिफरेंसेस कराती हूं जरा आप लोगों को। देखो तो फॉर्मेशन, इट इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट, इट इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट और एनी अदर वे लाइक इनहेरिटेंस। पॉइंट नंबर टू, यहां पर मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं, कितने? 50। यहां पर मैक्सिमम को ओनर्स की कोई लिमिटेड नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे हो? ये तो को ओनरशिप है, आप दो, आप सब साथ में मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। अब उस प्रॉपर्टी से अगर आगे चलकर बिजनेस करोगे या नहीं करोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी आपने बस प्रॉपर्टी खरीदी है, यू ऑल आर दी को ओनर्स। 60, 70, 80, 50, 40, 30, कितने भी को ओनर्स हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर तो डेफिनेटली बिजनेस हो रहा है पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन यहां पर मैंने बताया था ना, बिजनेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर होगी बेटा म्यूचुअल एजेंसी, यहां नहीं होगी म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा, पांचवा पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मस्ट है ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। मगर यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉसेस शेयरिंग रेशियो थोड़ी ना होगा। यू गाइज आर पार्टनर्स, यू गाइज आर सॉरी को ओनर्स, यू गाइज आर को ओनर्स। तो यहाँ पर ये कहाँ से बात आ गई, मतलब प्रॉफिट्स की और लॉसेस की? जब बिजनेस ही नहीं हो रहा तो प्रॉफिट्स या लॉसेस कहाँ से आ जाएंगे? अच्छा, अगर आपको अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है तो बाकी के पार्टनर से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी सिस्टर को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचनी है ना, तो वो बेच सकती है, उससे मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल है। अच्छा, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे हो सकता है HUF की तरह, यहाँ पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो सीधा डिसोल्यूशन की बात आएगी, पार्टीशन की बात नहीं आएगी। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के ऊपर कब चाहें तो कब्जा कर सकते हैं, जैसे मैंने सिखाया था वहां फ्रॉड वाले सेक्शन में भी। यहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर कोई एक अकेला को ओनर प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, अपना हिस्सा बिकवा सकता है, पार्टीशन करा सकता है, कब्जा पूरी प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकता, समझ रहे हो? बस यही है कंसेप्ट बेटा, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। क्लब मतलब वो डिस्को क्लब? नो, यहाँ पे डिस्को क्लब के बारे में
बात नहीं हो रही है यहाँ पे बेटा। क्लबिंग का मतलब है टू कम टुगेदर। यहाँ पे क्लब करने का मतलब क्या हो रहा है? टू कम टुगेदर। जैसे सोसाइटीज में भी होते हैं आपके ना, ऐसे सोसाइटीज के अंदर जो क्लब बने होते हैं, कि जैसे मान लो एक सोसाइटी है जिसके अंदर दो बिल्डिंग्स है, ठीक है, उन दोनों बिल्डिंग्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ठीक है, उसके से वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जिम्मेदारी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ना, दोनों बिल्डिंग्स के कुछ लोग जो है उन्होंने अपना संगठन बनाया। वो संगठन उन्होंने जो बनाया है पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है, किसी और पर्पस के लिए बनाया है। किस पर्पस के लिए? सम बेनिफिशियल पर्पस, हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए, स्पोर्ट्स की इंप्रूवमेंट के लिए। जैसे स्पोर्ट्स क्लब बना लिया, सोसाइटी के अंदर रहकर स्पोर्ट्स क्लब बना लिया, हेल्थ क्लब बना लिया। उस हेल्थ क्लब में क्या होता है, हर महीने जो है फ्री में आंखों का चेकअप करवाएंगे हम अपनी दोनों बिल्डिंग्स के लोगों का, आंखों का चेकअप कराएंगे, या फिर हीमोग्लोबिन चेक होगा, थायराइड चेक होगा। मतलब इस तरीके से क्या होता है ना, इस तरीके से आप अपनी पूरी सोसाइटी का भला कर रहे हो। आपका मकसद नहीं है पैसा कमाना। सो यू गाइज आर कमिंग टुगेदर। क्लब का मतलब क्या है? टू कम टुगेदर, संगठन। यू गाइज आर कमिंग टुगेदर टू वॉट? यू गाइज आर कमिंग टुगेदर फॉर सम बेनिफिशियल पर्पस। वो बेनिफिशियल पर्पस किसी के भी बेनिफिट्स के लिए हो सकता है, नॉट फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। दैट्स इट। पार्टनरशिप तो भैया पैसा कमाने के लिए ही होती है, टू अर्न द प्रॉफिट्स और टू शेयर द प्रॉफिट्स। चाहे हो या ना हो, मकसद यही होता है, पैसा कमाना और उसे शेयर करना। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव टू अर्न द प्रॉफिट्स, इसका ऑब्जेक्टिव रिक्रिएशन ऑफ द एक्टिविटीज लाइक गेम, सोशल सर्विस एक्सेट्रा। ये संगठन में कोई एक दूसरे का एजेंट नहीं होता, मगर पार्टनर्स तो होते हैं। ये संगठन में कोई भी पर्सनली लायबल नहीं होता क्लब के डेब्ट्स के लिए, मगर पार्टनर्स तो अपनी पार्टनरशिप के डेब्ट्स के लिए लायबल होते हैं पर्सनली। अगर आपको उस क्लब का हिस्सा बनना है तो फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, आप क्लब का हिस्सा बन जाओ, मेंबर बन जाओ, स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप ले लो, हेल्थ क्लब की मेंबरशिप ले लो। आपको बाकी के मेंबर से पूछना थोड़ी पड़ता है, यहाँ पे तो पूछना पड़ेगा एडमिशन के लिए, सेक्शन 31 है ना, किसी एक आपके से क्लब के मेंबर की। अगर हम यहाँ पर कंपनी में भी मेंबर वर्ड यूज कर रहे हैं, क्लब में भी, HUF में को पैंसर्स, ठीक है, को ओनरशिप में को ओनर, याद रखिएगा इन वर्ड्स का। ये छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, कभी कभी बेटा इनके वजह से ना आपका पूरा डिफरेंसिएशन जो है ना वो बेकार हो जाए। तो डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लब, डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लब। लेकिन यहाँ पर तो हमने सीखा है, अगर आपके पार्टनर्स ने कुछ नहीं डिसाइड कर रखा, तो विद द डेथ ऑफ इवन अ सिंगल पार्टनर होल पार्टनरशिप फॉर्म विल गेट डिसॉल्व। आई होप आप लोगों को जो है ये पार्टनरशिप एक्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। गाइस, सी, आई हैव गिवन माय बेस्ट, आई हैव गिवन व्हाट एवर द बेस्ट आई कैन गिव, राइट? यू गाइस जस्ट हैव टू डू वन थिंग फॉर मी, यू गाइस हैव टू शेयर योर फीडबैक ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल। देयर आई हैव क्रिएटेड अ पोस्ट, सो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नीति अंडरस्कोर तहीं। यू गाइज जस्ट हैव टू शेयर योर फीडबैक ओवर देयर, दैट्स इट। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी पॉजिटिव फीडबैक ही दो, अगर आपको कुछ कोई भी जो भी वट एवर, अगर आप मेरे काम से सैटिस्फाइड हैं, सो प्लीज उस पर फीडबैक दीजिएगा, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। और जो अभी तक फीडबैक दे चुके हैं, थैंक यू सो मच एवरी वन। सो सी यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ते हैं अपने इस लॉ के सफर में। ठीक है, टिल द टाइम हैव अ वेरी नाइस डे, और मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।